हरियाणा पुलिस की लेडी कांस्टेबल को लेनी पड़ी बस की टिकट, तो हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में छिड़ा जंगे चलान। इस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक मसला बन गया था। हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच पर वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। वहीं आप पार्टी द्वारा दिए गए बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेवार है, इस पर अनिल विज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने अम्बाला में होने वाले विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, पर वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला ख़त्म हो गया। केजरीवाल को क्या होगा, बीजेपी सरकार जिम्मेवार क्यों होगी, आप बताइए ना। ऐसे ही मैं कह दूं, कोई कारण तो बताओ ना कि ये कारण है, फिर कारण बताएंगे तो फिर उस पर विचार भी करेंगे। अब तुम घर में बैठे कही जो तो कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ता। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। खुद कुछ करते नहीं, बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा? आप जितनी यमुना हरियाणा में बहती है दिल्ली में प्रवेश करने से पहले उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बीओडी चेक कर लो, पता लग जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है, हरियाणा फैला रहा है या दिल्ली फैला रही है। अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी, और कर रहे नहीं, बयानबाजियां कर रहे हैं। 10 साल हो गए इनको यही बयान देते। वो पैसे आ गए, अब उसका आगे प्रोसेस है। लगभग 93 लाख रुपए और इसके लिए आ गए, जो टूट फूट है रिपेयर करनी है, रंग रोगन सफेदी करनी है, उसके लिए आ गए। चमकेगा बस स्टैंड और सारे ही चमकेंगे हरियाणा के। आप जाके देख लो आज हरियाणा का एक एक बस स्टैंड पूरी तरह से धो के साफ करके हर जगह पर काम हो रहा है। क्या नहीं बसें भी कुछ खरीदने की? अब सारा करेंगे, अभी डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला।